इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोलन से बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी कल। ये बैठक होने वाली है और राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू बैठक में दरअसल शामिल होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में दरअसल शामिल होंगी। जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी विधायक दल से मुलाकात वो करने वाली है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू। सोलन के बद्दी नालागढ़ स्थित किशनपुरा में ये मुलाकात होगी। मुलाकात से पहले की आपको जानकारी दे दें तो बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी, यानी कि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और उसके बाद फिर बीजेपी विधायक दल से मुलाकात करेंगे द्रौपदी मुर्मू। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसके बाद जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू वो बीजेपी विधायक दल से मुलाकात करेंगी, क्या होगा खास? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब राष्ट्रपति के चयन जो है वो होना है और उसकी चुनावी प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होनी है। और माना ये जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी शासित जो प्रदेश है, कम से कम उनका समर्थन जो है वो पूर्ण रूप से मिले, इसीलिए जो जो प्रत्याशी हैं वो खुद दौरा कर रही हैं अलग अलग राज्यों का, और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश भी वो आ रही हैं, क्योंकि नालागढ़ इसलिए भी चुना गया क्योंकि सीमा से सटा है ये इलाका। चंडीगढ़ की अगर बात करें, पंजाब की अगर बात करें, हरियाणा की अगर बात करें, तो तीनों राज्यों के साथ सटा है ये इलाका, और ऐसे में इसी जगह को चुना गया है। आज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज हलचल बड़ी है इस इलाके में, आज जो निजी होटल ये बताया जा रहा है नालागढ़ का, इसमें आज बीजेपी के जो प्रकोष्ठ है, सात मोर्चे हैं, सात प्रकोष्ठ हैं, उनकी आज बैठक यहाँ पर होगी। प्रदेश अध्यक्ष होंगे, महामंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे भाजपा के, और इसके साथ साथ जो संगठन महामंत्री हैं पवन राणा वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में बड़ी हलचल इसलिए भी है क्योंकि विधायक दल जो है वो पूरी तरह से, क्योंकि कल बैठक होनी है, हालांकि ये बैठक आज के लिए कहा जा रहा था कि आज ये बैठक होनी है, लेकिन ये बैठक आज नहीं है। तमाम दर्शकों को बता दें महिमा, ये बैठक कल होनी है, और ऐसे में आज बीजेपी के जब बैठक से पहले, विधायक दल की बैठक से पहले, और द्रौपदी मुर्मू जब आएंगी उनसे पहले, उनसे बात करने से पहले जो आपस में अब बातचीत चल रही है तमाम प्रकोष्ठों के साथ, जो है वो आज बैठक रहेगी, और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विकास, से खास बात ये भी है क्योंकि देखिए द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आएंगे और बीजेपी विधायक, यानी कि हिमाचल से इसकी शुरुआत हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है, क्या मुलाकात में होगी बातचीत, ये भी देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी, और एनडीए की प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू, और ऐसे में अब विधायक दल से जो है वो बात करेंगी, सलाह मशवरा करेंगी और आग्रह करेंगी खासतौर पर कि मतदान जो है वो उनके पक्ष में किया जाए, और आखिरकार क्यों उनके पक्ष में मतदान जो है वो यहाँ पर करें। इसके लिए निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए पहली शुरुआत जो है वो यहीं से की जा रही है, हिमाचल प्रदेश से की जा रही है, और ऐसे में बहुत से ऐसे बड़े नेता हैं जो मुलाकात उनके साथ यहाँ पर कर सकते हैं। और जो अगर विधायकों की और मंत्रियों की अगर मैं बात करूँ, तो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, बीते कल ही आदेश जो है ये जारी किए गए थे। सुरेश भारद्वाज जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक आ गया। विकास, आपके पास लौटेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ परमजीत सिंह दून से बीजेपी विधायक जुड़ चुके हैं। परमजीत सिंह जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। जी, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होने वाली, मुलाकात वो करेंगी, क्या होगा इस मुलाकात में, क्या चर्चा होगी? इसमें हमारे मेरे विधानसभा क्षेत्र दून बद्दी के अंदर ली मैरिट होटल में 11 बजे कल ये मीटिंग रखी गई है जी। और इसमें जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार है मुर्मू जी वो आ रहे हैं, तो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उसमें विधायकों से चर्चा की जाएगी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जी। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, सवाल सीधा है कि आखिरकार ये पहला मौका होगा कि जब इस तरह से जो राष्ट्रपति के जो प्रत्याशी होते हैं वो इस तरह से आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों में वो जाएंगी, किस तरह की तैयारी है? हिमाचल प्रदेश में विधायक दल की बैठक इससे पहले भी इस बारे में हो चुकी है, तो पम्मी जी किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से थोड़ा बता पाए। विकास जी, जो पहली बैठक हुई थी वो चंडीगढ़ में हुई थी, ये बैठक जो है बद्दी में हो रही है, और कल ये हमें आदेश आए हैं और बद्दी ली मैरिट होटल में इसका आयोजन किया जा रहा है, और सभी विधायकों की तैयारी के लिए और माननीय राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू जी के स्वागत के लिए हम सभी लोग लगे हैं,
और कल 11 बजे उनका मीटिंग का कार्यक्रम है और 11 बजे के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें मुर्मू जी के उसमें हक में जो सभी विधायक अपना पक्ष रखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा उसके अनुसार जो सारी आगे की कार्रवाई की जाए। चर्चा यह थी कि कोई व्हिप जो है वो जारी किया जा सकता है, तो परमजीत जी आप बताएंगे कि कोई व्हिप जो है वो पिछली बार जारी किया गया था या अब जारी किया जा सकता है? नहीं, इस बार व्हिप जारी किया जा सकता है लेकिन मैक्सिमम सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को ये फोन दो दो तीन तीन बार फोन कर चुके हैं कि सभी लोग मेरिट होटल बद्दी में 10 बजे पहुंचे, तो मेरे हिसाब से सभी विधायक सभी मंत्री यहाँ पे आएंगे कल को। जी, केंद्र की तरफ से कोई बड़े नेता आ सकते हैं यहाँ पर दिल्ली से? हाँ जी, केंद्र की तरफ से क्या कोई बड़े नेता आ सकते हैं परमजीत सिंह जी? नहीं, केंद्र की तरफ से कोई अभी तक तो कोई सूचना नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई आते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम स्वागत करते हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो परमजीत सिंह विधायक दून से हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से विकास विस्तार से जानकारी दी गई इस खबर पर कि फिलहाल केंद्र से कोई नहीं आएगा लेकिन सभी विधायकों को दो तीन बार फोन करके बुलाया गया कि आप आइए क्योंकि मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल, और देखिए जब भी इस तरह की चुनावी प्रक्रिया रहती है, मैं राष्ट्रपति चुनाव की ही बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी और भी कई ऐसे चुनाव जो है वो यहाँ पर होते हैं जिसमें विधायकों को जो है वो यहाँ पर चयनित करना पड़ता है, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया हो, तो उसमें भी इस तरह के चर्चा जो है वो जरूर रहती है कि सभी विधायक एकजुट रहें और एक ही प्रत्याशी को जो है यहाँ पर वोटिंग उसके पक्ष में हो। तो इस तरह की चीजें ये चलती हैं और ये सिर्फ एक संगठनात्मक एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये विधायक दल की बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है और सीधे तौर पर जो एनडीए की प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोटिंग हो, कोई विधायक जो है वो इधर उधर कोई वोटिंग ना करे, इसको लेकर तैयारी जो है वो जमीनी स्तर पर भाजपा कर रही है और यही एक बड़ी वजह है कि अब एनडीए की प्रत्याशी जो है वो यहाँ आएंगी, हिमाचल प्रदेश आएंगी और जो बॉर्डर एरिया है ये नालागढ़ में यहाँ पर एक बड़ा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। बीते कल ही आदेश यहाँ पर जारी किए गए थे और संसदीय कार्य मंत्री जो सुरेश भारद्वाज है उनकी तरफ से महिमा ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि सभी विधायकों को समय से वहां पहुंचना है, लेकिन उससे पहले आज बड़ी हलचल रहेगी, आज भी बैठकों का दौर वहां पर जारी रहेगा। अब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, वो वहां पर खास तौर से मौजूद रहेंगे और तमाम बैठकों की जो है वो अध्यक्षता करेंगे। वहीं संगठन महामंत्री जो पवन राणा है वो भी वहां पर खास तौर पर आज मौजूद रहेंगे। जी विकास, आपने बहुत ही विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने से पहले और चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इस खबर पर आपको विस्तार से हम जानकारी आगे भी देते रहेंगे लेकिन इसी बीच क्योंकि अपने तमाम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताना